हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आपको पता ही कि जो हर साल SSC GDA कांस्टेबल की एक रिक्रूटमेंट कंडक्ट की जाती है, तो उसका प्रोसीजर है। इस बार हमें जो वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई हैं वो 24,000 प्लस वैकेंसीज हैं। मैट्रिकुलेशन इसकी एक क्वालिफिकेशन रहती है, तो बिट बाई बिट हम एक एक डिस्कशन करेंगे। इसका एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, लास्ट डेट क्या है और फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो सिलेबस क्या होता है, इसका प्रोसीजर बताएंगे कि किस तरह से इसमें सिलेक्शन आप लोग ले सकते हो, आपकी एज किस एज के बीच में होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए जिसके लिए आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कितनी इसकी फ़ीस होनी चाहिए। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए जॉब्स के रिलेटेड आप हमारा चैनल JK प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अपकमिंग कोई भी रिक्रूटमेंट अगर आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको JK प्रैक्टिस प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नोटिफिकेशन क्या है SSC की तरफ से जो आया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन है SSC की तरफ से आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेरियस यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनके वेरियस जो फोर्सेस होती हैं, आर्मड फोर्सेस, CAPF, SSB, SSFB, GD, असम राइफल जो भी होती है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो सबमिशन आप ऑनलाइन की जो एप्लीकेशन डेट है यहाँ पे ये इस डेट को देख सकते हो। एक्सटेंड भी हो सकती है बट आप उस चीज़ का वेट मत कीजिएगा। एग्ज़ाम आपका यहाँ पे देखिए शेड्यूल कंप्यूटर जो एग्ज़ाम बेस्ड है वो जनवरी में आपका कंडक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आपका रिटर्न होता है, उसके बाद ही सारा प्रोसेस इनका चलता है ऑनलाइन मोड ही इसका। ये पूरी वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो SC की कितनी है, मेल में, फीमेल में, ये फीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ओके, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, 18 से लेकर 23 की एज तक इसका फॉर्म अप्लाई हो सकता है। अगर आप SC ST कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। OBC कैटेगरी में हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा। और बात करें क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे सिर्फ एक क्वालिफिकेशन चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन, 10th पास होनी चाहिए, तो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते। अगर आपके पास ये NCNC CBA की सर्टिफिकेट हैं तो उनके भी आपको बोनस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में देखने को मिल सकते। और जो फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो फीस स्ट्रक्चर पे करना है वो 100 रुपीज़ पे करना है, ₹100 ओनली। वुमेन कैंडिडेट्स जो भी हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी की है, कैंडिडेट्स जो बिलोंगिंग करते हैं SC ST एक्स सर्विस मैन के लिए, तो उनकी जो फीस है वो वहाँ पे फ्री है, उनको कोई फीस पे नहीं करनी है। फॉर्म करने के बाद आपका यहाँ पे अच्छे से एक ID डाल लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर आपके कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं, ये यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम JNK की बात करेंगे क्योंकि हमारी स्टेडी ड्यूटी JNK है। तो आपके चंडीगढ़, मोहाली, जम्मू में, आपका सांबा में, श्रीनगर, JNK में, यहाँ पे 3 जगहों पे आपका सेंटर देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं कि जनरल सिलेबस जो रहता है, तो एक जनरल सिलेबस जो रहता है कि हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है कि जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग जो आपकी BLW के एग्ज़ाम है अभी हम करवा रहे हैं वही सेम रीजनिंग यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे, पर एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बार का जो सिस्टम यहाँ पे देखने को मिला है वो कुछ अलग सा है। वो अलग सा क्यों है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपने देखा CGL में भी चेंजेस आई और GD कांस्टेबल में भी चेंजेस हो चुकी हैं, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन पहले ही ऐसा सिस्टम नहीं था, पहले 100 नंबर का क्वेश्चन आता था। अब यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जो जनरल नॉलेज अवेयरनेस है वही जो सेम चीज़ें हैं, ज्योग्राफी, कल्चर, ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यहाँ पे आपको पढ़नी है, इंग्लिश या फिर हिंदी आपको एक कंपल जो आप सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। बाकी कुछ जनरल देखा जाए ना सिलेबस होता है कि जनरल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, एक मैथमेटिक्स और एक इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, बस वही है। इसमें 80 क्वेश्चन आपके होंगे, 80 क्वेश्चन आपके लिए जो समय होगा वो 60 मिनट का होगा। पहले क्या होता था कि 90 मिनट्स होते थे, आई थिंक मुझे इतना याद है ना, हाँ 90 मिनट्स ही होते थे, बट 100 क्वेश्चन होता था। ठीक है, अब क्या हो गया कि 60 मिनट का पेपर होगा और जिसमें क्वेश्चन होंगे 80, हर एक क्वेश्चन जो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50 की होगी, यानी कि 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 0.25 की ही यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। एक टाइम था यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बट अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पे डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो आप यहाँ पे, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जो कि हमने कम्प्लीट करवाई हैं, बट फिर भी इसका भी इसके पर ही हम आपके लिए टेक्स्ट क्वेश्चन लेके ज़रूर आएंगे। और यहाँ पे प्रोसीजर क्या है कि उसके बाद जो बच्चा रिटर्न क्वालिफाई कर लेता है उसके बाद उसका फिजिकल होगा,
5 किलोमीटर्स मेल के लिए 24 मिनट्स में रनिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। और फीमेल्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट्स हैं जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट्स हैं, यूटी लद्दाख के, तो उनके यहाँ पे देख सकते हो, उनके लिए ये अलग से है। मेल के लिए उनको 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट्स में कवर करना है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा चांस है। और यहाँ पे हाइट वगैरह का सिस्टम हमें देख सकते हो, मेल की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर के अगर यहाँ पे देखा जाए तो रिजर्वेशन हाइट में इस बार देखने को मिली है, 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 155, तो ये बहुत ही ठीक अच्छा है। और वहाँ पे ये बस यही सिस्टम है यहाँ पे, बाकी और इस नोटिफिकेशन में आप इसको डिटेल से देख लीजिएगा। उसके बाद मेडिकल होगा आपका, जब आपका फिज़िकल पास हो जाएगा। इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, टेलीग्राम का आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।